नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग थोड़ा हटके पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक से, मनोविज्ञान या फिर ईवीएस से थोड़ा सा हटके नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे भी मैंने देखा है कि एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया है। यह है एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक है, एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक का नोट्स है। और इस नोट्स में सूक्ष्म जीव हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानेंगे। तो हम सिर्फ उतनी ही बातें यहाँ पे जानने जा रहे हैं, सिर्फ क्लास 8 का ही इसमें मैंने इंक्लूड किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एनसीईआरटी से ही। तो इसमें हम सिर्फ उतनी ही बातें जानने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और क्लास 8 तक की बुक में है, उतनी चीजें हम जानेंगे, उसके एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। और सिर्फ एग्जाम की जो है चीजें इम्पोर्टेंट है वही इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जीव होते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको किसी यंत्र की यानी कि माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आप उनको अपनी आंखों से, खुली हुई आंखों, जो नॉर्मल आंखें हैं उससे नहीं देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोवा और शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा और शैवाल, इन चार मुख्य वर्गों में इसको बांटा गया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि ये चार वर्ग है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा, शैवाल, इसमें तो वायरस है ही नहीं, यानी कि विषाणु है ही नहीं। तो वायरस भी एक तरह का सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन थोड़ा सा इन लोग से अलग होता है। क्यों? क्योंकि वायरस जो विषाणु होते हैं वो परपोषी में गुणन करते हैं, यानी कि ये बढ़ते हैं, पलते हैं, होते हैं कहाँ पे? परपोषी यानी कि दूसरों में जो है गुणन करते हैं, परपोषियों पे गुणन करते हैं। लेकिन जीवाणु क्या होता है? ये पौधे या फिर जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं, परपोषियों में गुणन नहीं करते, नहीं बढ़ते हैं, नहीं जनन करते। ये पौधे या जंतु कोशिका में, सेल में, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसी के सेल में ये जो है बढ़ते हैं, पलते हैं। अब देखिए, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव, अमीबा भी एक सूक्ष्म जीव है, एक सिंगल इसकी सेल होती है, एक सेल एक कोशिका का होता है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, लेकिन कवक या जीवाणु हमेशा ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते, अमीबा अकेले रहता है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इसमें हमारा जो है ऑप्शन अमीबा है। इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक मानी जाती है, आप एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो कीजिए। अब इसमें देखते हैं, दूध से दही में परिवर्तन भी जीवाणु द्वारा होते हैं। कुछ अच्छे जीवाणु होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, तो यूजफुल है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, उसके द्वारा जो होता है दूध से दही में परिवर्तन होता है। ईस्ट जनन करके, ईस्ट का यूज करते हैं हम ब्रेड वगैरह को स्पंजी बनाने में, तो ईस्ट जनन करके CO2 प्रोड्यूस करता है, और उसी से जो है जो ब्रेड बनाने का मैदा है उसका आयतन, वो जो है जिस शेप का रहता है उससे बढ़ जाता है। अब देखते हैं, चीनी से अल्कोहल में जो परिवर्तन किया जाता है, चीनी से जो अल्कोहल बनाया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन, उस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन प्रक्रिया। तो चीनी से अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने 1857 में किया था। लुई पाश्चर ने ही किण्वन प्रक्रिया का खोज किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई थी, पेनिसिलिन जो है वो फफूंद से बनाई गई थी, और जिसके जो है खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1929 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसी प्रकार चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा 1798 यानी कि 1798 में किया गया था, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, आप सब नोट करते रहें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी जो है वो जीवाणु द्वारा और नीले हरे शैवाल द्वारा होता है। अब देखिए, कुछ जो ऐसे जीवाणु हैं या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक हैं, यहाँ पे मादा एडीज मच्छर डेंगू के लिए जिम्मेदार है, डेंगू का वायरस जो होता है एडीज मच्छर, वो भी मादा एडीज मच्छर से फैलता है। इसी प्रकार मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज मादा मच्छर द्वारा फैलता है, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है, और इसमें प्लाज्मोडियम रहता है, उसी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है।
अब हम बात करते हैं रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। ये मनुष्य और पशुओं दोनों में होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। तो उन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु उसकी खोज की थी कि किस वजह से ये एंथ्रेक्स रोग होता है, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। नेक्स्ट है वायरस से होने वाले रोग। ये बहुत अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रोग हैं ये किससे होते हैं, मतलब वायरस से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, किससे होते हैं, कवक से। तो यहाँ पे सिर्फ क्लास 8 के बुक का ही मैंने नोट किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। वायरस से होने वाले रोग हैं खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये सारी चीजें वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया और हैजा, ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार मलेरिया और अतिसार यानी कि डायरिया वो प्रोटोजोआ से होते हैं। कुछ पौधों में भी बीमारी इन जीवाणु और वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि नींबू कैंकर रोग ये जीवाणु की वजह से होता है, नींबू कैंकर रोग जीवाणु की वजह से होता है। गेहूं की रस्ट कवक की वजह से होती है, भिंडी की पीत वायरस की वजह से होती है। अब देखते हैं, बात करते हैं सामान्य परिरक्षक। सामान्य परिरक्षक का मतलब होता है कि जिससे आप अपने खाद्य पदार्थ को, परिरक्षक मतलब होता है कि जिससे आप अपने खाद्य पदार्थ को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकें और उसका उपयोग कर सकें, जैसे कि सोडियम बेंजोएट जो कि आप अचार वगैरह, सिरके वगैरह को सुरक्षित करने के लिए डालते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक होते हैं। इसी प्रकार दूसरा सामान्य परिरक्षक है नमक। नमक को आप मांस मछली के को स्टोर करने में जो है यूज कर सकते हैं, आम, आंवला, इमली इन सब के परिरक्षण में, जैसे कि अचार होता है उसमें डाल दिया जाता है नमक, उससे वो बहुत दिनों तक बना रहता है, बरकरार रहता है और हम उसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया क्या होती है? पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होती है दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए बहुत तेजी से गर्म किया जाता है और अचानक एकाएक ठंडा करके इसका भंडारण कर लिया जाता है। इसी को कहा जाता है पाश्चुरीकरण, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की है। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की है, इस वजह से इसका नाम पाश्चुरीकरण है। लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी के बुक, साइंस बुक का, क्लास 8 के, इसका लास्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है, सहायक होता है। तो ये साइंस का टॉपिक था जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी पर्यावरण में भी आ जाता है, टेट और सीटेट में, प्राइमरी लेवल पे, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब पूछा जा सकता है। आप इससे संबंधित सुझाव हमें अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।